नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ऐसे जगह पर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं जहाँ पे कोई वाटर बॉडीज हो या फिर इस तरीके से तालाब हो सकता है, कोई नहर हो सकता है, नदी के किनारे, तो इस तरीके का सिचुएशन नहीं बनता है। खासतौर पर जहाँ तालाब होते हैं उसी तरीके से इतना नजदीक जो है वो आपका घर आ सकता है। स्टार्टिंग में दोस्तों आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो इस तरीके से आपको भी जो है वो आप देख सकते हैं कि रिपेयरिंग काम करवाना पड़ सकता है, जिसमें बहुत सारे खर्चे और साथ साथ दोस्तों आप बहुत सालों तक रिस्क भी कवर करते रहेंगे जब तक इस तरीके का आप कोई ना कोई व्यवस्था ना कर लें। अब दोस्तों एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि आखिरकार इस तरीके के जगह में घर कैसे बनवाया जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसे इस तरीके से अगर आप नॉर्मल ब्रिक वर्क करवाएंगे तो आज न कल आपको भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना होगा, तो ऐसा सिचुएशन ना आए। क्योंकि दोस्तों ये अभी गर्मी का मौसम है, देख सकते हैं पानी का लेवल वहाँ पे है, बरसात के सीजन में इसका लेवल उठ करके कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे वाटर प्रूफिंग के लिए कुछ भी नहीं करवाया है, रिटेनिंग वॉल भी नहीं दिलवाया है, सिर्फ और सिर्फ बीम के सहारे और इस तरीके से ब्रिकवर्क के सहारे ऐसे सिचुएशन का हैंडल नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ, बस 2 मिनट लूंगा आपका। दोस्तों इस तरीके के अगर आप काम करेंगे जो नॉर्मल घर बनाते हैं उस तरीके से बनवाएंगे तो बाद में दिक्कत क्या आता है ये भी समझ लीजिए। दोस्तों जैसे कि आपका जो ब्रिकवर्क है वो बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है, यानी कि पानी जो है वो पानी जो इस लेवल पर आएगा तो पानी ब्रिकवर्क आपका सूखेगा, उसके बाद दोस्तों ये आपके घर के अंदर ट्रांसफर करेगा, जो कि आपके मिट्टी है जो नमी है दोस्तों वो आपके मिट्टी को थोड़ा सेटल डाउन करेगी, जिससे आपका जो फर्श वगैरह उखड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं उनका एक ही लॉजिक होता है कि बीम तो हमने दे दिया है, इसके ऊपर प्लास्टरिंग होगी तो सारा काम ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही तो आपका ब्रिकवर्क जो है वो वाटरप्रूफ है और ना ही तो प्लास्टर वाटरप्रूफ है। देख सकते हैं बारिश आ रही है दोस्तों, मैं भींग करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमेशा इस तरीके के कंडीशन में आप अगर फंसते हैं कि एक तरफ पानी है दूसरे तरफ आपको मिट्टी को बचाना है गीला होने से, या फिर दोस्तों आपको जो है वो सेटलमेंट का कहीं पे भी चांस लगता है दोस्तों कि मिट्टी सेटल डाउन होगी, जाहिर सी बात है दोस्तों जो आपका फर्श बनाया होगा, जो आपका टाइल्स लगा होगा, वो सारी चीज़ें जो बर्बाद चली जाएंगी, तो ऐसे केस में आपको इस तरीके के नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, नॉर्मल वॉल नहीं देना है, बल्कि इस तरीके से रिटेनिंग वॉल देना है। रिटेनिंग वॉल किस तरीके से बनाते हैं चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं नॉर्मली क्या करना है आपको, इस तरीके से जो है वो ढलाई करना है, 4 इंच मोटी अगर ढलाई आप कर देते हैं और बाकी का जो 4 इंच है दोस्तों, चूंकि हमें 9 इंच का ब्रिकवर्क करना रहता है तो बाकी का जो 4 इंच है अंदर से 5 इंच का दीवार भी दे सकते हैं, वरना दोस्तों एक तरफा अगर बहुत ज़्यादा लोड है तो फिर इस ढलाई की मोटाई को बढ़ा भी सकते हैं। ढलाई अगर करते हैं तो वो 100% वाटरप्रूफ होता है और इस तरीके से आपका घर भी सुरक्षित रहता है और वाटरप्रूफिंग का बीच में लेयर आ जाने से दोस्तों इधर का पानी साथ साथ दोस्तों घर में सीपेज वगैरह का परेशानी या फिर सेटलमेंट का खतरा नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरीके के काम से आपको बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए दोस्तों कि ऐसे सिचुएशन में हमेशा रिटेनिंग वॉल का सहारा लिया जाए। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।